सुहासिनी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी और उसका बेटा कार्तिक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के कुछ समय बाद ही मुंबई सेटल हो गया था, जहां वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर का काम किया करता था। और अब कार्तिक मुंबई में अच्छे से सेटल हो चुका था। तभी एक दिन वो अपने होम टाउन उत्तर प्रदेश वापस लौटता है और अपनी माँ को अपने साथ मुंबई चलने को कहता है। सुहासिनी अपना सामान पैक करती है और अपने बेटे के साथ मुंबई आने के लिए निकल पड़ती है। जल्द ही दोनों मुंबई पहुँचते हैं। सुहासिनी के लिए मुंबई शहर एकदम नया था, जहाँ के नए तौर तरीके अपनाना सुहासिनी के लिए थोड़ा मुश्किल था। चूल्हे की जगह गैस सिलेंडर और जमीन में बैठकर खाना खाने की जगह टेबल पर बैठकर खाना खाना, ये सभी सुहासिनी को बेहद नया लग रहा था और थोड़ा अटपटा भी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे सुहासिनी ने मुंबई शहर के तौर तरीके भी अपनाने शुरू कर दिए। अभी एक सुबह उसके घर उसकी पड़ोसन राजश्री आती है, जो कहती है, तुम तो सिर्फ घर में ही रहती हो, मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं जाती। तभी सुहासिनी कहती है, ये मॉर्निंग वॉक क्या है। राजश्री ने जब ये सुना तो वो बहुत तेज हंसने लगी। तभी वो कहती है कि आज मैं तुम्हें मॉर्निंग वॉक नहीं, चलो एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसी तरह राजश्री सुहासिनी को अपने साथ लेकर जाती है और कहती है कि यहाँ हर सुबह लोग एक्सरसाइज करने आते हैं ताकि वो एकदम फिट रहे, मैं भी आती हूँ और जिस दिन यहाँ नहीं आ पाती उस दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ती हूँ। यही कहकर राजश्री हंसने लगती है। सुहासिनी की नज़र वहां मौजूद दो महिलाओं पर पड़ती है, जो कि प्रेग्नेंट थी और एक्सरसाइज कर रही थी। जब सुहासिनी ने उन दोनों ही महिलाओं को गौर से देखा, तभी वो उन दोनों महिलाओं को देखकर राजश्री को बताती है कि इनमें से एक बहुत बड़ी मूर्ख है। वेल दोस्तों, क्या सुहासिनी की तरह आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में मौजूद इन दोनों प्रेग्नेंट महिलाओं में से कौन बड़ा मूर्ख है? अगर हाँ, तो आपके पास इस मजेदार सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है और आपका ये समय शुरू होता है अब। दोस्तों, वहां मौजूद उन दोनों प्रेग्नेंट महिलाओं में से नंबर एक वाली प्रेग्नेंट लेडी मूर्ख है, क्योंकि अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो नंबर दो वाली लेडी जो एक्सरसाइज कर रही है वो एकदम सेफ प्रेगनेंसी वर्कआउट है, जबकि नंबर एक वाली लेडी जो वर्कआउट कर रही है उससे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान भी हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है, जिससे सुहासिनी पहचान जाती है कि नंबर एक वाली लेडी ही बड़ी मूर्ख है। वेल दोस्तों, क्या आपका भी यही जवाब था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।